सब्सक्राइब कीजिए टेक स्टार एजी चैनल को और बेल आइकन को ऑल पर कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुंजन, आप देख रहे हैं टेक स्टार एजी यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो बात करने वाला हूं स्पाइस मनी के न्यू अपडेट के बारे में। तो न्यू अपडेट में क्या आया है और आपको मिला कि नहीं और कैसे मिलेगा, सारा डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अपने स्पाइस मनी आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पाइस मनी में आईडी में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खोलने का ऑप्शन आ गया। और यहाँ पर एक और सर्विस आया है यहाँ पर ग्राहक लोन के लिए। ये तो आई सर्विस अभी सबको नहीं मिला है, कुछ रिटेलर को मिला है, कुछ चुनिंदा रिटेलर को मिला है। और यहाँ पर देख लीजिए एक्सिस बैंक का यहाँ पर सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट का ऑप्शन आया है, जिसका भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट लीड के द्वारा। तो उसको यह सेविंग अकाउंट का और करेंट अकाउंट का ऑप्शन मिल गया है। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है और अभी तक आपको नहीं मिला है, ये सर्विस नहीं मिला है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सेटिंग में जाना है। और सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, सेटिंग में जाइएगा तो यहाँ पर देख लीजिए TDS लेटर एंड सर्टिफिकेट पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर अधिकारी एकेडमी दिखा रहा है, तो यहाँ पर अधिकारी एकेडमी में नया फीचर देख लीजिए। यहाँ पर आपको दो ट्रेनिंग कम्प्लीट करना पड़ेगा, यहाँ पर सेविंग अकाउंट एक्सिस बैंक का और करेंट अकाउंट एक्सिस बैंक का, यहाँ पर ट्रेनिंग कम्प्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सर्विस आपको ये सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट ओपन करने की सर्विस आपको मिल जाएगा यहाँ पर देख लीजिए। और ग्राहक लोन का भी सर्विस आपको मिल जाएगा अगर फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया है। अगर आपका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट लीड के द्वारा अब नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, तो आपको अभी सर्विस नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन अच्छा खासा नहीं होगा, इसलिए आपको अभी नहीं मिलेगा। तो आपको अच्छा खासा ट्रांजैक्शन कीजिए और इसके बाद जब भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको भी ये सर्विस आपको मिल जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आपको यहाँ पर इस पर क्लिक करना पड़ेगा एक्सिस बैंक के। और यहाँ पर देख लीजिए ये जीरो मेंटेनेंस बैलेंस है, यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लगेगा अकाउंट खोलने के लिए। यहाँ पर तुरंत अकाउंट खुल जाएगा, कोई भी पेपर यहाँ पर नहीं लगेगा अकाउंट खोलने के लिए। और मंथली एवरेज बैलेंस रखना नहीं पड़ेगा, इसमें मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। करेंट अकाउंट में देख लीजिए यहाँ पर आपको जीरो यहाँ पर जीरो बैलेंस से खुलेगा, यहाँ पर पहले जीरो बैलेंस नहीं छोड़ी, यहाँ पर जीरो मेंटेनेंस से आपको खुलेगा यहाँ पर अकाउंट। और यहाँ पर 250 रुपये आपको डेबिट चाहे थी ATM का चार्ज कटेगा, यहाँ पर 500 का फंडिंग होगा और जीरो बैलेंस से आपका अकाउंट खुल जाएगा, करेंट और सेविंग अकाउंट दोनों यहाँ पर खुल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कुछ चार्ज है MPS का, अगर नेट बैंकिंग का और मोबाइल बैंकिंग से करते हैं तो यहाँ पर चार्ज दिया हुआ है, उसका भी देख लीजिए। अगर आपको इस सर्विस नहीं मिला है तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट लीड से कनेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटर या डिस्ट्रिक्ट लीड के नंबर आप कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर मोड पर आइएगा और मोड पर यहाँ पर देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटर एंड डिस्ट्रिक्ट लीड का यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, तो यहाँ से डायरेक्ट आप उसका डिटेल निकाल कर वह नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पाइस मनी के कोई भी डिवाइस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर या कॉल कर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और स्पाइस मनी का कोई भी डिवाइस ले सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।